हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप यहां पे मेरे बारे में देख सकते हैं, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों जैसा कि हम लोग यहां पर विजन आईएएस का जो पीटी 365 है अपडेटेड पार्ट टू डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट टू डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग ने इकोनॉमिक्स में 3.22, अगर मैं एक बार पहला पेज आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँ तो आप लोग समझ में आएगा कि अब तक हम लोग क्या डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट वन ऑलरेडी सारी वीडियोस डिस्कशन हो चुकी हैं, कंप्लीट डिस्कशन पार्ट वन का हो चुका है। पार्ट टू में हम लोग ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। इकोनॉमिक्स में हम लोग ने फिस्कल पॉलिसी कंप्लीट कर लिया है। बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी में हम लोग ने माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन ये देख लिया था, और मैंने आपको बताया था कि अभी क्या है, ये खाली एक रेगुलेशन है कि जो क्रेडिट लिमिट है वो माइक्रो फाइनेंस में उतना ही दिया जाएगा जिससे कि एक हाउस होल्ड की मंथली इनकम की हाफ, ठीक है, मंथली इनकम की हाफ ही मैक्सिमम ईएमआई बन सके, ठीक है। तो मैंने ये बात आखिरी बताई थी, और हम लोग ने मॉनिटरी पॉलिसी में जो माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन है इसको कर लिया था। अभी अगला पॉइंट है आरबीआई का जो सरप्लस ट्रांसफर है, हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं कि जो आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर है, ठीक है, यहाँ से हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत ही बवाल हुआ था जब मोदी सरकार ने कह दिया था कि आरबीआई वालों पैसा दो, ठीक है, आरबीआई वालों से जब मोदी सरकार पैसा मांग रही थी तो उस पर बहुत बवाल हुआ था। और आप देखेंगे कि जो हमारे रवीश जी हैं वो बैठ के दिन भर प्राइम टाइम करते रह रहे थे। खैर, वो सब मैटर पर हम लोग नहीं जाते हैं, मैं ये बताता हूँ कि उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, विमल जालान कमेटी, ठीक है, विमल जालान कमेटी बनाई जिसने क्या किया, जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, आप देखेंगे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ये वर्ड याद रखें, यही सब पूछता है यूपीपीसी से, तो यही पूछेगा। हाल में चर्चा में रहा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है, पे जो कमेटी बनी वह किसकी कमेटी थी, तो ध्यान में रखना विमल जालान, ठीक है, विमल जालान की वो कमेटी थी। आप देखेंगे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या होता है, आरबीआई का वो ढांचा होता है, ठीक है, जो आरबीआई पैसा कमाती है और क्या खर्चा करती है, कितना रखती है अपने पास, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, है ना, तो आप लोग और क्लियर होगा। जैसे आप देखेंगे आरबीआई चूंकि बैंकिंग का काम भी करती है, आपको पता होगा आरबीआई बैंकों का भी बैंक है प्लस आरबीआई सरकार का भी बैंक है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आरबीआई पैसा कमाती है। अब आरबीआई पैसा कमाती है और चूंकि आरबीआई गवर्नमेंट के अंदर ही है भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर ही आरबीआई है, तो इस असूरी जो पैसा कमाती है वो वापस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब जितना पैसा कमाई, मान लो 100 रुपये कमाई, तो 100 के 100 गवर्नमेंट वापस नहीं कर देगी, ये जो गवर्नमेंट है जो बिक गई है उसको 100 के 100 वापस नहीं करेगी, उसको कुछ कम वापस करेगी। तो इसी को कितना वापस करना है, कितना अपने पास रखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, ठीक है, यही बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, आगे डिस्कशन करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि देखिए यूपीएससी हिंदी टीम आप लोग के लिए फुल डेडिकेटेड है। मतलब आप देख सकते हैं ये रात में, इधर आप टाइम ऊपर देख सकते हैं 12:06:16 AM हो रहा है, और मैं इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जबकि आज मुझे पूरे दिन 1 मिनट का टाइम नहीं मिला, फिर भी मैं आप लोग का कोई भी चीज़ छूटे मत, जितना हम लोग ने वादा किया हम लोग कंप्लीट करें, हम लोग पूरे एफर्ट के साथ आप लोग के साथ है, ठीक है। और आप लोग को भी यूपीएससी हिंदी का फुल सपोर्ट करना चाहिए, और जो चीज़ें हैं, जो डिस्कशन है, वो रेगुलर देखना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना चाहिए। और साथ में ही इवन आप लोग देखेंगे कि जो यूपीएससी हिंदी विभिन्न तरीके के जो प्रोग्राम्स चला रही है, खासतौर पे हिंदी मीडियम में, और हम लोग ने अभी जैसे अभी रिसेंटली मैं बताऊँ तो हम लोग ने रिसेंटली लॉन्च किया है रिवीजन प्रोग्राम, रिसेंटली रिवीजन प्रोग्राम लॉन्च किया है। और आपको पता है पहली बार हिंदी मीडियम में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, भूर सिंह सर, हिंदी मीडियम के लिए पहली बार समझिए कि कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट आया है पढ़ाने, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप लोग को इसको देखना चाहिए एक बार, जो फर्स्ट 2-3 क्लासेस हम लोग ने फ्री में ओपन रखी हैं, एटलीस्ट उसको तो देखना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग ज्वाइन कर लो, है ना, पेड ज्वाइन कर लो भाई, मैंने कह दिया तो पेड ज्वाइन कर लो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट आप लोग से कर रहा हूँ कि जो ओपन क्लासेज हैं एटलीस्ट उसको आप लोग देखिए, ठीक है, कि कैसे रिवीजन करते हैं, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा समझिए, उसको देखिए, है ना। और उसके बाद अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए या मत करिए। UPPCS वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो लोग UPPCS है, तो हम लोग 10 अक्टूबर के बाद यही जो अभी रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है UPSC UPPCS दोनों का जो भूर सिंह सर करा रहे हैं, इसी रैपिड रिवीजन प्रोग्राम में 10 अक्टूबर के बाद मैं खुद लगभग 8 से 10 घंटे जो भी यूपी की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी यूपी स्पेशल जो भी चीज़ें, जनसंख्या, मिनरल डेटा, बाकी चीज़ें जो भी हैं, सारा मैं खुद इस पर डिस्कशन करूँगा, ठीक है। मैं कोशिश यही करूँगा कि जूम से डिस्कशन हो जाए या जूम कॉल से नहीं डिस्कशन होगी, तो बेसिकली ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके जो प्राइवेट ग्रुप हैं, जो इसके ग्रुप हैं, वहाँ पर शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से
इसमें एटलीस्ट ये तो नहीं होना चाहिए आप लोग को सामने से एटलीस्ट इतना नहीं करना चाहिए सर ये भी फ्री में कर दो, ठीक है। पता है कि हम लोग पहले ही जो विज़न का ये प्रोग्राम है हम लोग बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं, आपको पता होगा कि विज़न 7-8 हज़ार रुपये इसका लेता है। इवन मैं चाहता तो बहाने से बच सकता था कि भाई हिंदी मीडियम की आई नहीं है मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, और आप लोग भी नैतिक वश ये मान लेते हैं कि सही बात है सर की हिंदी मतलब देखिए मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है मैं लिटरली बता रहा हूँ और इसको एक्सेप्ट करने में बिल्कुल नहीं शर्माता हूँ। इवन बहुत से ऐसे टफ वर्ड जो होते हैं मुझे समझ में भी नहीं आता मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ, मैं फिर भी एफर्ट करके है ना इंग्लिश की चीज़ आप लोगों को हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये तो नैतिकतावश बिल्कुल आप लोग को नहीं कहना चाहिए कि सर फीस तो फ्री में कर दो, क्योंकि कोई क्यों पढ़ाएगा आप लोग को ये बताइए ना, कोई क्यों फ्री में पढ़ाए। इवन भूर सिंह सर क्यों फ्री में पढ़ाएं, है ना, वो अभी किसी कोचिंग में जाएं तो उनको एक घंटे के 5-10 हज़ार रुपये आराम से मिनिमम कोई कोचिंग देगी, तो यहाँ पर रखे फ्री में पढ़ाने से कीमत भी कम हो जाती है सबसे बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से वो जो मेहनत डिजर्व कर रहे हैं वो जो बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है सामने से, है ना, तो आप लोग को एफर्ट का सपोर्ट करना चाहिए, है ना। और रही बात ठीक है खैर आप लोग की डिमांड अपनी जगह है, मेरी डिमांड अपनी जगह है कि देखिए ये हम लोग कंप्लीट करते हैं इंग्लिश मीडियम वाला जो भी है ना, और इसको समझते हैं। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको करते रहिए। तो अब देखिए यहाँ पर RBI का जो सरप्लस ट्रांसफर है ना, बल्कि इवन मैं अभी बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं यही सोच रहा हूँ कि नहीं पहले ये कंप्लीट करूँगा, इसको डिस्कशन करूँगा, फिर सोऊंगा चैन से, ताकि मेरे दिमाग में खुद लोड रहता है कि आप लोग का एग्जाम आ रहा होगा यार आप लोग प्रेशर में हो, नहीं इसको कंप्लीट कराना ही कराना है, ये मेरी भी जिम्मेदारी, मुझे ये फील आता है। तो देखो मैंने यही बताया कि RBI सरप्लस जनरेट करती है, यही लिखा है कि हाउ RBI जनरेट सरप्लस। तो आपको बताऊंगा RBI के इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे आप देखोगे RBI क्या करती है डोमेस्टिक सोर्सेज से इंटरेस्ट भी लेती है। इवन आप देखोगे RBI आपको पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसको हम लोग बॉन्ड्स या बिल बेस्ड बोलते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती खरीदती है तो इस पर इंटरेस्ट अर्न होता है। आपको बताओगे RBI के पास फॉरेन करेंसी एसेट्स है, ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट्स है FCS जिसको हम बोलते हैं, इस पे क्या होता है कि इसका जब रेट चेंज होता है ना, मान लो $1 ऐसे समझो, मान लो $1 हुआ अभी 73 रुपया चल रहा है और मान लो $1 बढ़ के 75 रुपया हो गया, तो RBI के पास मान लो जितना पैसा है तो बढ़ गया ना, देखो रुपये के टर्म में वो बढ़ गया, तो RBI के पास बहुत सारा पैसा होता है तो उस पे इंटरेस्ट आता है। देखो फॉरेन सोर्सेज से इनकम है, इवन आपको पता होगा कि इंडिया अपने न्यूज़ में शुरू होगी कि 200 कुछ बिलियन डॉलर पता नहीं कितने बिलियन डॉलर इंडिया ने USA को उधार दे रखा है, है ना। बेसिकली USA को उधार देने का ये मतलब है कि इंडिया ने USA के बॉन्ड खरीद रखे हैं पता नहीं कितने बिलियन डॉलर के, एक बार वो न्यूज़ देखिएगा। तो RBI वो जो बॉन्डवा खरीदी है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है और फॉरेन रिसोर्सेज से बहुत सारा इंटरेस्ट आता है। तो RBI का इनकम का सोर्स बहुत सारा ये सब है ना, याद देखोगे बहुत सारा है जिसमें अदर इनकम फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज, जो आपको याद रखना है इंटरेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, ये दाना को 33% है, बहुत ज़्यादा वेटेज है RBI टोटल इनकम का। फिर RBI इनकम ये हुआ, RBI खर्चा करती है कहीं कहीं, नोट छापती है 12% जितना इनकम होता है उसका 12% नोट छाप देती है, इसीलिए मैं कहता हूँ डिजिटल बनो ऑनलाइन पेमेंट करो, है ना। एम्प्लॉई कॉस्ट टोटल निकाल देती है, फिर एजेंसी के चार्जेस जो कमीशन टू बैंक प्राइमरी डीलर्स ये सब दे देती है, बाकी जो है प्रोविजन्स जो 63% है RBI क्या करती है प्रोविजन्स में रख देती है कंट्रीब्यूशन टू CF एंड ADF। अब CF क्या है कंटिनजेंसी, देखिए मैं इंग्लिश पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, कंटिनजेंसी फंड मतलब आकस्मिकता निधि, ठीक है आकस्मिकता निधि, और ADF होता है एसेट डेवलपमेंट फंड, ठीक है एसेट डेवलपमेंट फंड। तो आप समझोगे कि RBI क्या करती है कि इन चीज़ों में पैसा अपना खर्चा करती है, बाकी जो इससे बचता है एक्सपेंडिचर से वो हो जाता है डिविडेंड, जो कि RBI शेयर कर देती है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को जो शेयर करती है, बात समझिएगा दोस्तों, जो गवर्नमेंट को शेयर करती है RBI हर साल शेयर करती थी, लेकिन चूंकि भाई है ना विपक्ष को या फिर कोई भी, मैं ऐसा किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरे कहने का ये मतलब है कि RBI हर साल डिविडेंड शेयर करती थी, लेकिन चूंकि इकोनॉमी प्रॉब्लम में थी और RBI बहुत सारा पैसा, आप देखोगे बहुत सारा पैसा, भाई एक लिमिट होती है, मतलब मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाह रहा, मैं आपको नॉर्मल एक न्यूट्रल बेसिस समझाना चाह रहा हूँ। मान लो ये जो प्रोविज़न है इसकी एक लिमिट है ना, आप सारा पैसा तो इस प्रोविज़न अकाउंट में नहीं रख सकते ना, तो वो जो लिमिट है इस प्रोविजनिंग अकाउंट का इसको बहुत तार्किक होना चाहिए, और इससे जो ज़्यादा पैसा भाई दो ना सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉफिट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खर्चा करे, जो भी अभी सब्सिडी देनी है जो भी आप देखोगे जो भी काम है वो करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दो, है ना। तो ये तार्किकता के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपको पता होगा कि उर्जित पटेल जी थे उस समय गवर्नर RBI के, तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। अब थोड़ा सा समझिएगा ये RBI ये पैसा रखती क्यों है, थोड़ा सा समझते तब ये जो कंटिनजेंसी फंड है एसेट डेवलपमेंट फंड है RBI क्यों रखती है, चूंकि क्या होता है अब पता होगा RBI के जो एसेट्स हैं बेसिकली वो क्या हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व है ये सब है, तो इनके मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है,
तो आरबीआई बेसिकली इकोनॉमी में कोई अचानक से प्रॉब्लम ना जाए इसके लिए बेसिकली आप समझोगे आरबीआई पैसा रखती है। तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि आरबीआई का इनकम कहाँ कहाँ से है, डोमेस्टिक सोर्स से, वही जो मैंने ऊपर डायग्राम में दिया वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। कंटिजेंसी फंड होता है, एसेट डेवलपमेंट फंड होता है, ये रिस्क का प्रोविजन करती है बेसिकली आरबीआई कि अचानक से ऐसे एक्सचेंज रेट में कोई मान लो चेंज आ गया या मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज करना हो अचानक से बहुत ज़्यादा, तो आरबीआई इस कंटिजेंसी फंड का यूज़ कर पाए, एसेट डेवलपमेंट फंड का आरबीआई यूज़ कर पाए, है ना। इसको आप देखोगे कि इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, फिर प्रिंटिंग ऑफ नोट, एजेंसी चार्जेस और एम्प्लॉई कॉस्ट, तो ये देखोगे आप ये है। अब इसमें ये कह रहा है कि आरबीआई का जो टोटल एक्सपेंडिचर है ओनली अबाउट 1/7 ऑफ इस टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम देयर बाय जनरेटिंग सरप्लस, तो टोटल खर्चवा है बहुत कम है, 1/7 ही है, तो इसलिए आरबीआई क्या करती है सरप्लस जनरेट करती है जो कि आरबीआई गवर्नमेंट को वापस करती है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ दो ना, यूपी पीसीएस और यूपीएससी बेसिकली, देखो यूपी पीसीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं पहले बता दूंगा, ठीक है। यूपी पीसीएस से इंपॉर्टेंट वही है जो मैंने बोला, विमल जलान कमेटी यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए नहीं है, मे बी मेंस में क्वेश्चन बन जाए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूपी पीसीएस के लिए नहीं है, लेकिन यूपीएससी के लिए ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक दो करवा भी दूंगा तो आप लोग और समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझिएगा। अब देखिए जैसे क्या है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है अपने आप में यूपीएससी का, आरबीआई को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, तो आप लोग ये समझिएगा आरबीआई पैसा कमा रही है तो इनकम टैक्स भरती है, नहीं भरती है, ठीक है। अब बताएगा आरबीआई एक्ट 1934 के तहत चलती है, ठीक है। अच्छा चलो यूपी पीसीएस के दो तीन क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ जो कि आरबीआई क्योंकि न्यूज़ में रहा है तो पूछ देगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहला ये बताना है, ठीक है, पहला ये बताना है कि कौन सी कमेटी किस कमेटी की सिफारिश पर, कमेंट सेक्शन में बताना है, आरबीआई बनाया गया था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है आरबीआई अपनी स्थापना के बाद से ही एक सरकारी यानी सार्वजनिक कंपनी है अपनी स्थापना के बाद से, तो दोनों स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर इसके दे दूंगा, ठीक है। आपको दोनों इसके आंसर बताने हैं और ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कब बनी थी पहला बात, है ना, कब बनी थी, किस कमेटी की सिफारिश पे बनी थी, ये दिमाग में रखना है, ये आपको बताना है किस कमेटी की सिफारिश पे बनी थी, और क्या आरबीआई स्थापना के बाद से एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि आरबीआई ट्रांसफर द सरप्लस इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 47 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, तो मैंने बताया जो आरबीआई एक्ट 1934 बना है, तो यहाँ पे देखो आंसर मिल गया कब बनी थी, 1934 के एक्ट के थ्रू 1935 में बनी थी, तो जो आरबीआई एक्ट 1934 जो है आप देखोगे वहाँ पर सेक्शन 47 कहता है कि आरबीआई सरप्लस अपना ट्रांसफर करेगी। यहाँ पर देखो आप देखोगे कि हर साल पहले 2010-11 में 15,000 करोड़, फिर ये बढ़ते गया, देखो यानी आप देखोगे कि हर साल पैसा ट्रांसफर कर रही है, ऐसा नहीं है कि डिमांड किया गया तभी की, फिर यहाँ अचानक से जिस साल डिमांड किया गया आपको पता है कि शशिकांत दास गवर्नर बने, है ना, और उसके बाद आपको पता होगा कि विमल जालान कमेटी बनी, तो विमल जालान ने बताया कि इतना रुपया होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा जो सरप्लस था 1,67,000 करोड़ वो आरबीआई ने दिया था। इस साल आरबीआई आप देखोगे 99,00,000 करोड़ इस साल भी आरबीआई, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रही है, तो ये बात समझिएगा आरबीआई सेंटर, तो ये बहुत फ्लक्चुएट है, तो देखिए ये बात ये समझिएगा, जैसे एक स्टेटमेंट यूपीएससी क्या बोल देगा कि आरबीआई ने पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ता हुआ सरप्लस केंद्रीय सरकार को ट्रांसफर किया, तो नहीं ऐसा नहीं है, देखो 99,000 करोड़ था, फिर 19-20 में कम था, अब देखोगे लगभग 50,000 करोड़ था, है ना, उसके पहले 1,67,000 करोड़, तो बहुत ज़्यादा था, तो ऐसे देखोगे आप तो बढ़ता हुआ ट्रेंड कुछ ऐसा नहीं है, है ना, चेंज होता हुआ ट्रेंड है, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ये बात आप देखोगे। इसके बाद आप देखोगे ये जो कितना सरप्लस ट्रांसफर होना चाहिए इसके लिए कई सारी कमेटीज बनी जो मैंने ऑलरेडी बताया, एक वी सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, फिर उषा थोराट 2004 में बनी थी, वाई एच मालेगम बनी थी, विमल जलान 2018 बनी थी, ये विमल जलान सबसे ज़्यादा याद रखना है, इसको दिमाग में रखिएगा, बाकी कोई याद रहे मत रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो एक क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ सकता है ना, या यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है बहुत टफ चांस पे, बोल देगा इनमें से किस कमेटी का संबंध, अगर देखो दिमाग उनका खराब हुआ तो पूछ सकते हैं किस कमेटी का संबंध आरबीआई के कैपिटल फ्रेमवर्क से नहीं है, तो उसमें क्या करेगा तीन टॉय दे देगा, विमल जलान, वाई एच मालेगम, उषा थोराट, तीन टो दे देगा, फिर चौथा दे देगा तालिबान कमेटी, जो भी उनको देना होगा ऑप्शन चौथा एक दे देंगे, तो दिमाग में रखना ये तालिबान कमेटी नहीं है, बाकी सब आरबीआई के कैपिटल फ्रेमवर्क में थी,
एक बार अगर हम लोग रीड करके आगे बढ़ जाएंगे तो इससे यूपी पीसीएस वालों को भी नुकसान नहीं होगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आ जाए, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें तो आरबीआई बहुत सारा पैसा रखती थी, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि है ना, अब बताया कि आरबीआई मतलब कैसे पैसा रख रही है ना, बोला कि वाई आरबीआई सरप्लस हैज गॉन अप शार्पली दिस ईयर, तो बोला कि लोअर एक्सपेंडिचर ड्यू टू रिडक्शन इन प्रोविजनिंग अकाउंट, तो प्रोविजनिंग अमाउंट में रिडक्शन कर दिया, तो इस वजह से भी, ठीक है, इस वजह से भी बहुत कम है ना। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि लोवेस्ट रिक्वायर्ड बफर है ना, आरबीआई इज चूजन टू मेंटेन लोवेस्ट रिक्वायर्ड बफर, मतलब पहले ज़्यादा पैसा अपने पास रखती थी बता कि इमरजेंसी है इमरजेंसी है, अब उसको क्या किया, उसको कम कर दिया है ना। फिर हायर इनकम ओपन मार्केट ऑपरेशन से, ये है। फिर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन आरबीआई कर रही है। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें ये समझो, ये स्टेटमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। बेसिकली क्या होता है, आरबीआई टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का प्रयोग करती है रेपो रेट पे लंबा लोन देने के लिए। देखिए आपको पता होगा दो तरह के, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक सुना होगा नाम लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। तो अपने आप में यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज किस चीज से संबंधित है, तो ध्यान रखना यह है मौद्रिक नीति से संबंधित, ठीक है, भारत सरकार की मौद्रिक नीति से यानी मॉनिटरी पॉलिसी से संबंधित है। इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, तीन चार चीजें और आती होंगी, एक बार चेक कर लेना। जैसे आप सोच सकते हो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज और क्या क्या आती हैं, उसके बारे में डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूंगा, बेसिक से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, हो सकता है कि जो रिवीजन क्लासेस हो वहां पे भूर सिंह सर करा दें ये सब, हालांकि बेसिक मुझे नहीं लगता आप लोगों को जरूरत है इन सब चीजों की, इतना आप लोग पढ़ के बैठे होंगे। फिर भी जो रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट है ना, आप देखोगे यहां पर क्या है, रेपो रेट पे आरबीआई एक दिन का लोन देती है, ठीक है, एक दिन का उधार देती है बैंकों को कि बैंक अपनी लिक्विडिटी मैनेजमेंट कर पाए। लेकिन अब क्या है, आरबीआई ने सोचा कि अब देखो, और जो लॉन्ग टर्म लोन देती है आरबीआई वो बैंकिंग रेट पे देती है, बैंक रेट उसको बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन देती है आरबीआई बैंकों को उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। आरबीआई ने कहा कि एक काम करते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस करते हैं कि यही जो रेपो रेटवा है इसी के साथ इसी आधार पर लंबा उधार दे देते हैं, ठीक है, लंबा उधार दे देते हैं, ठीक है, तो इससे सबका भला होगा, शुरुआत आरबीआई से होगी। तो शुरुआत आरबीआई से क्या होगी, वही बात यहाँ पे आपको पढ़ेंगे लिखेंगे, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से आरबीआई को अच्छा खासा ब्याज मिला है, अच्छा खासा ब्याज मिला है तो सरप्लस भी क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस बात को समझिएगा, सरप्लस भी क्रिएट हुआ है ना। और इससे और क्या फायदा होता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से, बैंकिंग सिस्टम में कैश आ जाता है लंबे समय के लिए, ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम में कैश आ जाता है। तीसरा फायदा ये होता है कि बिना नीतिगत दरें जिसको हम लोग बोलते हैं, आप सुने होगा आप लोग ने पॉलिसी रेट्स, इंग्लिश में सुना होगा पॉलिसी रेट्स, बिना नीतिगत दरें चेंज किए हुए आरबीआई क्या करती है, मुद्रा का जो फ्लो है इकोनॉमी में वह बढ़ा देती है। देखो नीतिगत दरें नहीं चेंज की, रेपो रेट बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, नहीं चेंज किया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चला के क्या किया, मौद्रिक नीति को कंट्रोल कर लिया। तो आरबीआई के पास एक नया हथियार ये हो गया है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझिएगा। और ये है आपका अब तक का आरबीआई से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा आप लोगों को कोई चीज इसमें डाउट आई होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो का उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगला है पेमेंट सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। आपको पता होगा यहाँ पर ये वाला हेडिंग है टॉपिक की, इसमें है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज देखो क्या होता है, इसको समझ लो। आपको पता होगा अभी एक स्टॉक एक्सचेंज चलता है, इसे समझ लो, स्टॉक एक्सचेंज चलता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में है ना, कंपनियां सेकेंडरी मार्केट में है ना, आप देखोगे एक तो होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो आप देखोगे आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फिर यहाँ पे आप क्या करते हो, सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदते बेचते हो, जिन लोगों पास डीमेट अकाउंट होगा, ठीक है, वो लोग शेयर खरीदते बेचते होंगे, आप लोग में से कई लोग होंगे जो शेयर में इन्वेस्ट करते होंगे। तो ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां अपने शेयरों को बेचती रहती हैं, बेचती खरीदती रहती हैं। उसी प्रकार का क्या किया गया, एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्यों बनाया गया, इसका ये कारण है, आपको पता होगा कि बहुत सारे एनजीओज, आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारे एनजीओज हैं है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसके अलावा कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है लेकिन वो सोशल वर्क करती हैं, बेसिकली एजुकेशन है ना, एजुकेशन, जैसे समझ लो यूपीएससी हिंदी है, तो आप देखोगे यूपीएससी हिंदी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन सोशल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम लोग जो जो चीज़ें मार्केट में आप देखोगे 2-2 लाख रुपए के जो जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज हम लोग बहुत सस्ता या फ्री में, अभी हम लोग लगभग फ्री में ही चला रहे हैं जो चीज़ें। तो आप देखोगे ऐसी चीज़ों को जो एजुकेशन को बढ़ावा दे सके, हेल्थ को बढ़ावा दे सके सरकार की, इन कंपनियों जो एनजीओज हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
इनको फंडिंग हो सके, इनको फंडिंग हो सके, इसलिए क्या किया गया, एक कॉन्सेप्ट बनाया गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ताकि ई ससुरे का कर पाए जो लोग हैं, ई अपना बॉन्ड या फिर कोई ऐसी चीजें यहां पर बेचे, बताएं कि हम ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, मतलब हमारा ये बॉन्ड लो और हमको पैसा दो, ठीक है। जैसे मान लो यूपीएससी हिंदी, यही समझ लो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अभी मान लेते हैं, तो ये क्या करेगी, अपना एक बॉन्ड जारी करेगी 10 लाख रुपया का बॉन्ड, और इसमें कहेगी कि ये 10 लाख रुपये का बॉन्ड, मतलब हमको ये एक बंदा होगा कॉर्प, जो भी बंदा होगा पैसा इन्वेस्ट करने वाला, वो 10 लाख रुपये का बॉन्ड हमसे खरीदेगा और हमको 10 लाख रुपया दे देगा, ठीक है, और 10 लाख रुपये दे देगा। अब क्या करेंगे हम, 10 लाख रुपये खर्चा कर देंगे, 10 लाख रुपये खर्चा कर देंगे, और इससे हम बताएंगे कि हम देखो 50 लोग को फ्री पढ़ाएंगे, 50 लोग या 500 लोग, हम लोग कहेंगे कि 500 लोग को हम लोग फ्री पढ़ाएंगे, और जब 500 लोग को हम लोग फ्री पढ़ा लेंगे, कोई तीसरा इंसान जो कि सोशल डोनेशन जिसको करना था वो क्या करेगा, इसको पेमेंट कर देगा, ये वाले को पेमेंट कर देगा और कुछ ब्याज सहित पैसा दे देगा। तो इसको हम लोग कई बार ये भी बोलते हैं डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड, या फिर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड भी बोलते हैं, SIB, ये भी कॉन्सेप्ट सुना होगा। बेसिकली ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है उसका सोशल इम्पैक्ट कितना हुआ है, सोशल इम्पैक्ट यानी समाज पे उसका कितना प्रभाव पड़ा है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। आपको बताऊंगा राजस्थान में पहली बार भारत में सोशल इम्पैक्ट या फिर डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड स्टार्ट किया गया, गूगल सर्च करके बताइए सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे सामने नहीं लिखी गई है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में गूगल सर्च जरूर करेंगे कि भारत में इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड या सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड कहाँ पे जारी किया गया, ये UPPCS का स्पेशल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, बेसिकली वही है। अब क्या हुआ, आप देखोगे वही चीज़ अब उसको यहाँ पे समझाया, बोला है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली सेबी ने क्या किया है, टेक्निकल ग्रुप की रिपोर्ट ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक किया। बेसिकली एक इसका बैकग्राउंड एक छोटा सा ये भी है कि जो हमारी निर्मला सीतारमण है वो बजट का जब भाषण बोल रही थी तो बोली कि यार एक काम करते हैं ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज भारत में भी स्टार्ट करते हैं ताकि NGOs को पैसा मिल सके। तो इन्होंने कहा सोशल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस एज अ रेगुलेटेड फंडिंग प्लेटफॉर्म टू अलाउ फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद अ सोशल पर्पस टू रेज फंड, ठीक है। तो यह देखो क्लियर बात लिखा है, प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस के लिए साथ साथ में नॉन फॉर प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए यह फंड रेजिंग का एक उपकरण है। अब देखो ये बात समझना, एक स्टेटमेंट देगा UPSC में, UPPCS में ये स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, UPPCS में केवल वही पूछ सकते हैं कि भारत का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड कहाँ जारी किया गया, उसका आंसर आप लोग खट देना दे दीजिएगा चले आएगा। UPPCS वाला क्वेश्चन मतलब बहुत हलवा छाप है, जो लोग हमारे साथ UPSC की तैयारी कर रहे हैं ना देखना, UPPCS जो लोग IPT 365 कर ले रहे हैं अभी इधर सतवा में देखना, मतलब उड़ा देंगे, लिटरली उड़ा देंगे, आप देख लेना मतलब, ठीक है ये समझ लेना कि फोड़ के आ जाएंगे, है ना। तो यही बात समझो, मतलब यार कितना मज़ा भी आ रहा है, हम लोग चीज़ों को समझते चल रहे हैं ना। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, मैं आज आलोचना के मूड में हूँ क्योंकि मैंने आज इतने सारे मैसेज ऐसे देखे ना कि सर एक लाइनर क्वेश्चन करवाइए। अरे भाई एक लाइनर क्वेश्चन से क्या समझ में आएगा भाई, मेरे बस का नहीं है एक लाइनर क्वेश्चन कराना, मुझे खुद नहीं समझ में आता एक लाइनर क्वेश्चन। अब मैं आऊँ यहाँ पर ऐसे बताऊँ कि ऐसे जैसे मैंने देखा बहुत सारी मैगजीन्स हैं आप लोग जो पढ़ते हैं UPPCS वाले खासतौर पर, और मैं लिटरली मानता हूँ यार ऐसे जो पढ़ के जाता है ना उसको SDM बनाना ही नहीं चाहिए और वो बनेगा भी नहीं कभी, मैं ये चीज़ देखता भी हूँ, मतलब लिटरली जो एकदम रट टू है ना वो मेंस नहीं लिख पाएगा सही से, और इसीलिए ससुरे क्या करते थे पहले रट रट के जाते थे प्री निकाल के मेंस निकाल के और बन जाते थे SDM और बर्बाद करते थे देश को। इस मामले में लिटरली मैं एकदम हार्श हूँ, चाहे मेरी बात का किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मतलब रट के आप लोग सोचते हो कि प्री निकाल दें, आप लोग सोचते हो कि रटवाया जाए ऐसे कि हाल में ही एक टेक्निकल ग्रुप की रिपोर्ट जारी की हुई, किसने की, सेबी ने, ऐसा ही वो बुकलेट छपी रहती है ऐसा, मतलब इतना भयात बुकलेट होती है मैंने देखा है यूपी वाली, लिटरली मेरा देख के दिमाग मेरा सटक जाता है। मैं अभी देख रहा हूँ निशान सर की क्लास और आप लोग बहुत मजे से पढ़ भी रहे होंगे, मैं निशान सर की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं देख रहा हूँ कि क्या है देश कहाँ जा रहा है भाई, हमारे जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं SDM कैसे बन जाएंगे यार, ये लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं SDM बनना, जो लोग को एक एक लाइनर वो क्या रटवा रहे ऐसे, मतलब भारत की पहली ट्रेन चली डबल स्टैक ट्रेन, है ना, विश्व की पहली डबल स्टैक ट्रेन, पता नहीं क्या का समझी नहीं, अरे भाई डबल स्टैक का मतलब भी उस जो बुकलेट है वहां पे डबल स्टैक का मतलब ही नहीं समझाया कि डबल स्टैक होता का है। अब मैं पढ़ूंगा तो मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में क्लिक करेगा कि डबल स्टैक का होता है भाई, है ना। हेड ऑन जनरेशन ऐसे लिखा है, हाल में ही हेड ऑन जनरेशन न्यूज में रहा, किसने ये चीज शुरू किया, ऐसे लिखा है रेलवे। अरे ससुरा ये पते नहीं भाई हेड ऑन जनरेशन होला का, तो कैसे हम रेलवे का कैसे रट लें, है ना, मतलब
हद वाहियात बुकलेट्स आती हैं और हद वाहियात बुकलेट्स आप लोग पढ़ते रहते हैं और फिर सिलेक्शन होता भी नहीं है सबसे बढ़िया, और खासतौर पर हिंदी मीडियम देख लो, अभी भी समय है, रेट्रोस्पेक्ट कर लो खुद को, बार बार बोलूंगा नहीं है ना, क्योंकि हार्श हो जाता है कभी बार, मैं सोचता हूँ ना बोलूँ है ना, और मैंने ठेका नहीं ले रखा, मैं सबका बैठ के मोटिवेशन करूंगा, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्शन खुद का कर लो, ऐसे रट के जाओगे एग्जाम देने क्या हालत होगी वहाँ पे, और फिर रोगे कि हिंदी मीडियम सब भेदभाव, इंग्लिश मीडियम, और सारा सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम का है, मतलब मैंने जितने लोग को इस बार SDM देखा है, इंटरव्यू में गया था UPSC के, है ना, UPSC के इंटरव्यू में गया था, वहाँ पे जब मेरा मेडिकल था 7 लोग आए थे 7 लोग में से 4 SDM थे और 4 के 4 इंग्लिश मीडियम थे, कोई हिंदी मीडियम से नहीं था, औकात ही नहीं है हिंदी मीडियम की, रोते रहेंगे खाली, रोना आदत है हमारी, रोना है, कितना रुला लो है ना, मतलब जितना रुला दो हम तो रोते हैं, हमारे पास 2 लाख रुपए फीस दे के 2 साल का कोर्स करने का पैसा होता है, लेकिन हमारे पास 100 रुपया नहीं होता है कि हम 100 रुपया दे के ठीक ठाक कर लें। खान सर जैसे लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब आप लोग समझना है ना, और जो हम लोग क्या करते हैं, मैंने देखा खान सर के वीडियो, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, उनको लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, खैर उनका सपोर्ट बहुत अच्छा खासा है, लेकिन उनको सपोर्ट के जो आपने देखा जो फालतू का जो 40,000 रुपये फीस लेके है ना फालतूबाजी करता है, उसको हिंदी मीडियम उसके पीछे, यही है हिंदी मीडियम, इसीलिए आगे नहीं बढ़ेगा, ये मेरी फ्रस्ट्रेशन जायज है, मैं दिन में आज बहुत परेशान रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोग को भी ये बात समझाऊँ कि बहुत गलत कर रहे हो आप लोग, पछताओगे बाद में, जब 5 साल बाद सिलेक्शन नहीं होगा, यहीं बैठे रह जाओगे, फिर दूसरे को ताका झाकी करोगे कि अरे बाबा बन के फिर घूमोगे है ना, मेरी तरह बाबा बन के घूमते रहना, शांति से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो है ना, अच्छे से काम आएगा, रट रट के जाओ, PT भी नहीं निकलेगा यार रटने से, मैंने देखा UPSC पेपर अब इतना आसान नहीं हो रहा है, PT है ना, रट्टू लोग का जमाना गया। खैर, सेबी ने क्या किया, टेक्निकल ग्रुप की रिपोर्ट सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर शो की, अब मैं फ्रस्ट्रेशन अपना बिल्कुल नहीं शो करूंगा, आई एम वेरी सॉरी है ना, अब ये क्या कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझाया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, देखो स्टेटमेंट UPSC में ऐसे पूछ सकता है कि एक रेगुलेटेड फंडिंग प्लेटफॉर्म है टू अलाउ प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अभी बात समझना, ऑप्शन दे देगा कि यह केवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या करेगा, अलाउ करेगा, तो देखना गलत है, देखो यहां पे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी अलाउ करेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये बात समझना। अब इन टेक्निकल ग्रुप ने क्या किया, कुछ रिकमेंडेशन दी, बोला कि कॉर्पोरेट फाउंडेशन, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये लोग यहां से फंड नहीं इकट्ठा कर सकते, तो ये भी एक ऑप्शन है, ध्यान देना, दे देगा एक ऑप्शन कि इस प्लेटफॉर्म से कॉर्पोरेट फाउंडेशन, पॉलिटिकल और धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है ना क्या करेंगे, फंड इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये बात समझना है ना। अच्छा बस एक छोटी सी बात और, नहीं बोलूंगा तो खाना नहीं पचेगा मेरा है ना, अभी जस्ट खाऊंगा इसके बाद तो पचेगा नहीं, एक छोटी सी बात और ये है कि इसमें अब कई लोग रो रहे हैं सर ये हिंदी में प्रोवाइड करा दीजिए, अरे यार अब हिंदी में मैं कहाँ से प्रोवाइड करा दूँ, हिंदी में मुझे खुद नहीं मिली, मैं इंग्लिश में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, और मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है सर हिंदी में पढ़ा दीजिए, सर हिंदी में पढ़ा दीजिए, सर हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, भैया इंग्लिश नहीं समझ में आ रही कैसे मेंस वा होगा क्वालिफाई है ना, उसमें तो आता है इंग्लिश कंपलसरी, खैर UPSC में आता है, UPSC वाले लोग तो फिर भी बच जाएंगे सर हमें इंग्लिश में कुछ नहीं करना है, लेकिन यार इतना तो इंग्लिश आनी चाहिए भाई, इसमें कौन सा ऐसा क्या कहते हैं डॉक्टरेट करा दिया मैंने, मुझे खुद नहीं समझ में आ रही यार, मैं फिर भी हिंदी में बोल बोल के नॉर्मल भाषा में ही तो समझा रहा हूँ, भारतीय भाषा में ही समझा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, तो नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम बताए हुआ तो समझ लो ना, इसमें मतलब काहे परेशान, मैंने देखा कमेंट सेक्शन आप लोग खुद देखिए, देखिए मुझ पे आप लोग अभी 2 गालियां मुझे भी सुना देंगे सर इधर उधर की बातें मत कीजिए, इसीलिए मैं लाइव भी नहीं आ रहा था, मुझे पता था मैं लाइव रहता हूँ तो कभी और फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करता हूँ, फिर भी लाइव नहीं आने के बाद भी मैंने देखा इतने मैसेज सर हिंदी में प्रोवाइड करा दीजिए, सर प्लीज़ 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 प्लीज़, अब मैं या तो बैठ के दिन भर मेरा यही काम है मैं बैठ के रिप्लाई करूँ भैया हिंदी में नहीं आई है, खुद देख लो तब हिंदी में कहाँ मिल रही है ना, हिंदी में आई नहीं, आएगी एग्जाम के बाद, फिर पूछते सर कब तक आ जाएगी, अरे भैया विजन का डायरेक्टर मैं नहीं हूँ, विजन वालों से पूछो फोन करके, मतलब हद मजाक बना रखा है तैयारी को, ऐसा लगता ही नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ लिटरली ऐसा लगता ही नहीं कि SDM डिजर्व करते हैं ये लोग, ये जो ऐसे डाउट आते हैं ना इन लोग के, ये सीधे मैं बोल रहा हूँ एकदम खुले, जो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये महा ही फालतू लगता है कि अभी क्लास 10th में हो यार, क्या मजाक बना के रख दिया पढ़ाई को है ना, क्लास 10th वाली हरकतें कर रहे हो अभी भी, एक एटीट्यूड होना चाहिए SDM का, एक एप्टीट्यूड होना चाहिए यार, दिखना चाहिए कि हाँ भाई मैं हूँ SDM है ना, मुझे इन फालतू की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ है ना, लेकिन रोना है तो रोना है, ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट मतलब सॉरी यार है ना,
तो बोथ FPEs एंड NPOs should be allowed to tap the SEC. अभी FPEs का है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वही चीज है ना, वही चीज़ जो बताया. अब बोला कि बहुत सारे आप क्या करोगे यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे इसमें अलाउ करोगे. मोड अवेलेबल फॉर फंड रेजिंग फॉर NPO शैल बी इक्विटी, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड, जो अभी को बताया था ना डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड, वही सोशल इंपैक्ट बॉन्ड करंटली नोन एज सोशल वेंचर फंड विथ 100% ग्रांट इन आउट प्रोविजंस एंड डोनेशन बाय इन्वेस्टर थ्रू म्यूचुअल फंड. ठीक है, समझ रहे हो ना, जो तरीका समझाया था वही कि इसने बॉन्ड बेचा पैसा मिला, जब इतना काम हो जाएगा तब हाई जो बॉन्ड खरीदा होगा उसको एक तीसरा आदमी जो कि डोनेशन देता था वो इसको पैसा प्रोवाइड कर देगा विद ब्याज. ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे इनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, इससे ये जो NGOs होती है इनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है काम बिल्कुल सही से करें. ठीक है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग फंड शुड बी अ कॉपर, अब ये सब बताया हुआ अगला, तो ये मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए. ठीक है, कि ये हंगर, पावर्टी, मेल न्यूट्रिशन है ना, LGBTQIA ये सब के लिए काम करेंगे, तो ये तो हम लोग को जो नॉर्मल पता ही होता है. ठीक है, तो ये दिमाग में है. अब इसका फायदा क्या होगा आप लोगों को पता ही होगा, ये मेंस के लिए फायदा है भाई कि भाई फंड आराम से मिल जाएगा, NGOs को फंडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, काम भी और इम्पैक्टफुल होगा. दूसरी बात क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, सोशल काम करने में लोग इच्छुक होंगे, भाई सीधी बात है, जैसे मेरे जैसा लोग क्या करेंगे, यही इन्वेस्ट कर देगा भाई. ठीक है, हमको ब्याज का ब्याज मिल रहा है और सोशल डेवलपमेंट दोनों हो रहा है. ठीक है, ये बात हो जाएगी. दूसरी बात आप देखो कि यहाँ पर सम ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल स्टॉक एक्सचेंज UK में है, कनाडा में है, सिंगापुर में, तो तीन देशों में आप देखोगे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार चल रहा है, आप देखोगे ऑलरेडी कई देश इसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, फिर वही चीज़ समझाए कि कहाँ से पैसा आएगा, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे मनी इंपैक्ट करेगा, ये ऐसे यहाँ पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे बेचेंगे, वही बात समझाई हुई है. जो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं उसी तरह से बेसिकली बेचेंगे. देखो सीधी बात है, समझा दे रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन प्रोजेक्टेड ऑफर बाई इम्पैक्ट इश्यूज, जैसे आपने बताया कि मैं 100 लोगों को पढ़ाऊंगा फ्री में, तो यहाँ पर ये इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, और ये जो सोशल इंटरप्राइजेज है, जैसे मान लो यहाँ पे UPSC हिंदी रख लो, तो ये क्या करेगा, कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट, ये किसी प्रोजेक्ट के लिए क्या करेगा, कैपिटल इकट्ठा करेगा विद बॉन्ड. ये भी जो सोशल इंटरप्राइजेस था यहाँ पर, ऐसे इसको वापस समझ लो, ऐसे ये वही चीज़ जो मैंने उल्टा समझाई है, इन्होंने नए तरीके से एक डायग्राम बना दिया. ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर देखो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ये क्या करेगा, लिस्ट हो जाएगा, बता देगा कि हमको ये मतलब हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं. यहाँ पर एक सोशल इंटरप्राइजेस है, वो भी लिस्ट हो जाएगा. ठीक है, अब बेसिकली इसको ये समझना आप कि ये जो लिस्ट हो जाएगा, आप बता दोगे कि हम ये सर्विस के लिए लिस्ट होना चाहते हैं, हम ये चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, तो ये जो इन्वेस्टर है और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो आपके पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो करेंगे, आपका काम देख के नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे. सिंपल सी यही बात यहाँ पर इस फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाइए, है ना. अगला देखते हम लोग, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट का जो इश्यूज है उसको देखते हैं. आप यहाँ पर देखो एक बार, ये स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछेगा UPSC में, सीधे सीधे ये क्वेश्चन बनेगा कि पिछले 5 वर्षों में लगातार हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ी है. तो ध्यान देना, नहीं, 19 से 20 में बढ़ी है, देखोगे यहाँ पर आप 13 से 19 में घटी थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 13 से 19 में घटी थी, लेकिन 19 से 20 में बढ़ गई है ना, बढ़ गई, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. यहाँ पर देखो लिखा भी है, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 7.1% इन ईयर 2020, हाईएस्ट इन 3 डिकेड. ILO ये बात कह रहा है, तो ILO ये बात कह रहा है. अब UPBCS वाले कैसा बनाएंगे क्वेश्चन, ऐसे जैसे बुकलेट जो UPBCS की छपेगी, हाल में ही ऐसा बताया गया कि भारत की जो बेरोजगारी दर है वो 7.1% हो गई है ना, यह 3 दशक की हाईएस्ट है, यह रिपोर्ट किसने जारी की, तो मैं आंसर देगा ILO है ना, वो एटो होता ना, एटो पता नहीं क्या चलता था, मुझे नाम नहीं याद रहा, हाँ सखी साजन, उसका एक ही आंसर होता था, पता नहीं ना सकी सर्जन, पता नहीं मुझे याद भी नहीं रहा, मुर्की कुर्की कुछ ऐसा बोलते थे, हिंदी लिटरेचर में पढ़ा यार, भूल गया मैं, है ना, रिवीजन नहीं किया हिंदी लिटरेचर, तो ऐसा ही कुछ है. वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि UPBCS वाले जो बुकलेट्स होते हैं वही से ही देगा, इतना बड़ा चौड़ा और एठो आंसर किनारे. ठीक है, तो ये है, इसको देखना आप लोग. फिर वो बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में क्यों बढ़ रहा है, सबको पता है, इसमें मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, आपको सबको पता है ये चीज़, मेंस में आप लोग पढ़ोगे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन अभी चल रहा है, कोविड आया है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको पता होगा मैंने इस चीज़ को 4A से समझाया था. ठीक है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस और एक्सेप्टेबिलिटी, इन 4 कारणों से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है. ये 4A याद कर लो, शॉर्ट में एक बार बता दे रहा हूँ. जैसे एक्सेप्टेबिलिटी मतलब आपको पता होगा भारत में वुमेन को काम करने नहीं देते, बहुत ही लिमिटेड काम अलाउ करते हैं वुमेन को. अफोर्डेबिलिटी मतलब ये समझो, अफोर्डेबिलिटी मतलब एक तो रोजगार, जो मजदूर है मजदूरी दर नहीं अच्छी है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता है रोजगार करना,
उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो अपना ट्रैवल कर पाए, है ना, रोजगार जहाँ पे मिले वहाँ से आसानी से ट्रैवल कर पाए, लिमिटेड रुपए में ट्रैवल कर पाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। देखो वही चीज़ यहाँ पे समझाई, इनइक्विटेड ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। इसके बाद देखो अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी मतलब किस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, सही स्किल्ड लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, स्किल्ड लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी में एक पॉइंट और डाल देना, लेबर लॉस टफ है तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं होते हैं कंपनियों से, ऐसे सोच सोच के आप समझोगे। अवेयरनेस जो सरकार के कार्यक्रम है, जो लेबर जागरूकता के लेके जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब अनुदान, तो ये सब का अवेयरनेस भी नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर बताया हुआ कि लैक ऑफ वोकेशनल स्किल। तो मैं देखो हर चीज़ ऐसे रटवा तो नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई मेरे साथ पढ़ोगे कॉन्सेप्ट पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना, एकदम हर चीज़ रटते जाओगे यहाँ पे, कुछ और पढ़ोगे एटो दूसरी बुक ले लोगे तो उसमें दो और एक्स्ट्रा पॉइंट दे देगा, फिर रटते रहोगे अरे सर यहाँ पे दो पॉइंट एक्स्ट्रा दिए, हाँ वो अपने बस का नहीं है। अब यहाँ पर बताएं गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हमारी गवर्नमेंट जो कि बिक चुकी है उसने क्या किया है, कुछ कुछ मेजर्स लिए, मेजर्स मतलब उपाय अपनाए हैं किसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के, यानी बेरोजगारी को कम करने के लिए। अब आप एक काम करोगे, यूपी पीसीएस स्पेशल बताओगे कौन सा वक्र, हालांकि ये मैं जब रिविजन करवाऊंगा खासतौर पर यूपी पीसीएस स्पेशल 10 अक्टूबर के बाद, तो मैं ये सारी चीज़ें, ये सारे कर्व्स डिस्कस करूंगा, तो कौन सा ग्राफ बेरोजगारी दर, ठीक है, और मुद्रा स्थिति के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, कौन सा ग्राफ बेरोजगारी दर और मुद्रा स्फीति के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ऑप्शन दे दे रहा हूं, लेफर, फिलिप्स, ठीक है, तीसरा ले लो लॉरेंज, और चौथा ले लो तालिबान कर, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन में आपको बताना है यूपी पीसीएस में कौन सा इनमें से जो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है बेरोजगारी दर और मुद्रा स्फीति के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यूपी पीसीएस। अब देखो ये सीधी बात है भाई, है ना, ये चीज़ें ऐसे ही समझ में आएंगी तब आप ध्यान से कर पाओगे। अब बताइए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय किए, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे उपाय किए, आपको पता होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जारी किया है। अभी आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत ये बताना है कि किस मंत्रालय के अधीन ये है, तुरंत आंसर बता दे रहा हूँ ताकि हर चीज़ लेट ना हो, आप लोगों पर टाला ना जाए, वित्त मंत्रालय के अधीन, ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधीन यह, ठीक है, यह स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज वित्त मंत्रालय के अधीन स्टार्ट किया गया, ठीक है, इस बात को समझिएगा। फिर आत्मनिर्भर भारत पैकेज वही है 20 ट्रिलियन रुपए का, है ना, इसमें फीमेल जनधन अकाउंट होल्डर को 500 रुपए पर मंथ दिया जा रहा है 3 महीने के लिए, है ना, और ये बेसिकली क्या है, फंड कलेक्टेड अंदर BOCWS, अब ये क्या है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो फंड है, जो सेस लगाती है गवर्नमेंट, उसको यूज़ किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे बताया कि क्या क्या यूज़ कर रहा है ना, मोर फोकस ऑन गरीब कल्याण रोजगार अभियान, है ना, ये बताया गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो अगला वाला ये है, देखो एक है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसके बारे में आप लोग डिटेल में इवेंट पढ़ लीजिए मेरे हिसाब से, है ना। इसमें क्या कि इसको बढ़ा दिया गया है, पहले क्या था 25% ऑफ द एवरेज सैलरी दिया जाता था, अब 50% दिया जाता है। जैसे ये क्या है बेसिकली, इस योजना में अगर आप बीमा करा लेते हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, इसमें क्या होता है, मान लो आपको रोजगार आपका छीन गया है और आप रोजगार खोजने बैठे हो, तो ये क्या करता था अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, पिछले 3 महीने के एवरेज सैलरी का 25% आपको देता था, 3 महीने के जो आपको पिछले, जब आप रोजगार छोड़े थे नए रोजगार की तलाश में जा रहे हो, तो उसमें जो आपकी एवरेज सैलरी थी उसका 25% आपको फंड करता था कि आप रोजगार खोजो तब तक आपको दिक्कत ना हो, है ना। अभी क्या है कि इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया है, ठीक है, एवरेज ऑफ एवरेज सैलरी डाउन टू 50%, ठीक है। तो ये बात आप इसको समझना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है एक तरह का, बेरोजगारी भत्ता है एक तरह का, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। और यहाँ पर क्या है कि, है ना, अब देखो इसी में कॉन्सेप्ट आता है बेरोजगारी जाल, बेरोजगारी जाल क्या होता है, और ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन फिर से ऑप्शन दे देगा चार्टो, बेरोजगारी जाल का तात्पर्य पहला, है ना, मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ उसी में से खोज लेना, ऑप्शन नहीं बनाऊंगा बार बार, है ना। तो ऐसा असल में क्या होता है ना कि रात में 12 बजे के बाद मेरा दिमाग स्लो हो जाता है, तो जैसे कॉन्सेप्ट तो मेरे क्लियर है लेकिन जैसे दिन में बहुत एनर्जी के साथ मेरे ऑप्शन बहुत सारे बनते हैं ना, कि मैं 4 ऑप्शन अभी तुरंत बना लेता, तो अभी मैं 4 ऑप्शन बनाने की क्षमता नहीं रखता हूँ, जो करेक्ट आंसर है वो बता दूंगा, ठीक है,
करेक्ट आंसर बता दूंगा। बेसिकली बेरोजगारी जाली होता है कि इंसान को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो वो खुश हो रहा है बेरोजगार होने पर, उसको रोजगार उपलब्ध भी है तो रोजगार नहीं लेना चाह रहा है क्योंकि उसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो ये एक तरह का बेरोजगारी जाल हुआ। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर देना, ये बात इसको समझना। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें बताया गया कि एक नेशनल करियर सर्विस पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, ये क्या है, इंडिया की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो कि वर्क फ्रॉम होम को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये देखना है ना, ये बताया गया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस क्या क्या मतलब शुरू किया गया भारत में। इसके बाद बहुत सारा जॉब फेयर और ये सब चलाया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो महत्वपूर्ण था दो चीज़, देखो दो चीज़ फिर से बता दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ। दो चीज़ महत्वपूर्ण था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बहुत महत्वपूर्ण था जो कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में है। दूसरा है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब कल्याण पैकेज। प्रधानमंत्री, दिमाग में रखना है कि यह वित्त मंत्रालय का है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये दिमाग में आपको रखना होगा। अगला हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर, और देखो ये मैंने अपने पास से फैक्ट यहाँ पर बता दिया जो कि यहाँ पे मिलेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में क्या है, एक चीज़ पहले सामने सुन लो। पहला है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी, इसको मैं शॉर्ट में एक बार कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। पहले ये देख लो, इफ्को जो भारत की मतलब उर्वरक निर्माण कंपनी है, इफ्को, ठीक है, इंडिया फर्टिलाइजर एंड समथिंग कॉर्पोरेशन है, उसने हाल में नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यूपीपीसी से पूछ देगा, हाल में ही किसने नैनो यूरिया लिक्विड बनाया, तो किसने बनाया, इफ्को ने बनाया। ऑप्शन बहुत सारे दे देगा, इफ्को टिक करना है। अब एक बात ये समझो, ये नैनो यूरिया लिक्विड क्या है, इसमें बता दे रहा हूँ, ये बेसिकली क्या कहना है ना, यूरिया जो होता है ना इसका नैनो बोतल बनाइए, बोतल बॉटली है ना, बॉटली में क्या है कि उसका आप देखोगे नैनो पार्टिकल्स हैं, तो जो पौधे होते हैं ना, आपको पता होगा कि जैसे क्या होता है कि हम लोग जितना यूरिया अप्लाई करते, मान लो 2 किलो यूरिया अप्लाई किया, तो 2 किलो यूरिया मतलब 2000 ग्राम यूरिया गया, तो पौधे उसमें यूज इफिशियंसी केवल 10-15%, मैक्सिमम 20% ही इफिशियंसी यूज कर पाते हैं पौधे, तो बाकी जो 80% होता है वो क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन उर्वरक है, तो बाकी क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो गया बहुत सारी चीज करके, NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड नॉक्स गैसें बनाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, दूसरा बह के जो नाइट्रोजन है ये बह के पानी में चला जाता है, वहाँ पे नाइट्रेट पोल्यूशन भी करता है, और नाइट्रेट पोल्यूशन से आप लोग बताएंगे कौन सा रोग होता है, ये भी UPPCS का क्वेश्चन है। तो अभी मैं बना दे रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन, तो आप लोग समझ में आएगा यूरिया की प्रॉब्लम क्या है, तो आपको ये बात समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। तो 15-20% ही अब्जॉर्व करता है। अभी क्या किया इन्होंने, नैरो यूरिया लिक्विड बनाया, ये ससुरा बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व कर रहा है, मतलब जितना अप्लाई करोगे लगभग 40-60% इसकी इफिशियंसी है, तो बहुत ही अच्छा इफिशियंट ये है, और ये भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी से इफ्को ने बनाया है, तो बहुत अच्छे ये प्रयास है। इसमें एक बात समझो, यहाँ पर क्या है कि जो मैंने अभी बताया था कि नाइट्रेट पोल्यूशन से कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मतलब वो बेबी जो होता है वो नीले नीले हो जाते हैं। ठीक है, आज ब्लू है पानी पानी, तो आज ब्लू है बेबी बेबी, वैसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है इफ्को का, ये आप लोगों को समझ हो गया। अब आते हम लोग फर्टिलाइजर सब्सिडी पे, एक क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं, आपको क्या करना है, खाद्यान्न, और ये यूपीएससी भी कर लो, खाद्यान्न, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एंड अदर, बजट में जो सब्सिडी दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा, इसको ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, इसको आपको ऑर्डर में लगाना है, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। ठीक है, तो 1 सेकंड बाद मैं फिर से इसका आंसर दे ही दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये जो बजट में जितना सब्सिडी होती है, तो यहाँ से अब यहाँ पर यही देखो क्वेश्चन भी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी न्यूज़ में रहा है, तो क्या लिखा है, रिसेंटली सब्सिडी फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 500 per bag टू 1200 per bag एंड इंक्रीज ऑफ 140%। ठीक है, देखो तो ये बात समझना, अब मैं आप लोगों को चीज़ें और समझा दूंगा, तब तक इसका आंसर दे देता हूँ। ये सब्सिडी का ऑर्डर ये जो लगा है, खाद्यान्न सबसे ज़्यादा, फिर खाद्यान्न उगाने में जो चीज़ लगती है वो सबसे ज़्यादा, फिर पेट्रोलियम सब्सिडी, फिर ये लगभग कुछ 1,40,000 करोड़ है, ये 70,000 करोड़ है, ये 40,000 करोड़ है पेट्रोलियम, इसी तरह के भारत सरकार सब्सिडी देती है। तो आप देखो खाद्यान्न सब्सिडी जो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, बहुत ज़्यादा हम लोग है ना पैसा खर्चा करते हैं। आते हम लोग यहाँ पर जो काम की चीज है, देखो भारत में दो तरह की सब्सिडीज दी जाती है, और ये समझ लो, एक होती है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, NBS बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में ध्यान रखना यूरिया नहीं है, पहली बात, यूरिया सब्सिडी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में नहीं आती है, है ना, यूरिया सब्सिडी अलग होती है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में हम लोग पोटास, फॉस्फेट, जो बाकी के जो
उर्वरक होते हैं उसको देते हैं। अब इसमें समझना, यहां पर क्या है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का यह मतलब है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का मतलब यह है कि जिससे क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है, मान लो एक एक्स कंपनी एक वाई कंपनी है, है ना। अब एक्स कंपनी एक फार्मूला बनाई फॉस्फेट का, एक फार्मूला बनाई, तो उसने क्या किया 100 किलो जो फार्मूला, मान लो कोई भी फार्मूला फॉस्फेट का बनाया, कैल्शियम फॉस्फेट PO4 CA3 PO4, मान लो ये बनाया N2 5 HTO कर लिया, है ना। इसमें कुछ पाउडर वाउडर मिला के उन्होंने क्या किया 100 किलो बनाया ये मसाला, लेकिन उसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट था वो 20 किलो था, ठीक है 20 किलो था। वाई कंपनी ने फार्मूला कुछ बनाया 3 CA PO4 ऐसे करके कुछ भी बनाया, इसमें 100 किलो में 40 किलो था। तो ये क्या है, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, इस न्यूट्रिएंट पे, बेसिकली जो कैल्शियम फॉस्फेट है इस न्यूट्रिएंट पे आधारित पैसा दे रही है, ना कि इसके 100 किलो पर आधारित पैसा नहीं दे रही है। तो इस 20 किलो जितना न्यूट्रिएंट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके आधार पर यह कंपनियों को सीधा सीधा क्या करती है, पैसा प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है, सल्फर, बहुत सारे मतलब न्यूट्रिएंट देखे जाते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, तो गवर्नमेंट उसको देख के पैसा देती है, दिमाग में ये रखना। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में यूरिया नहीं है, ध्यान रखना यूरिया नहीं है। यूरिया क्या होता है, भारत सरकार स्टेटुअरी प्राइस सामिधिक मूल्य निर्धारण करती है, मतलब यूरिया का मैक्सिमम प्राइस MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस भारत सरकार करती है। और अभी भारत सरकार ने क्या किया, इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT प्रारंभ किया है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, अभी भारत सरकार ने स्टेटमेंट है सभी घरेलू उत्पादकों के लिए, सभी घरेलू यूरिया उत्पादों के लिए 100% नीम कोटेड यूरिया NCU नीम कोटेड यूरिया अनिवार्य कर दिया है। देखो मैं इसका बैकग्राउंड नहीं समझाऊंगा बैठ के कि क्यों नीम कोटेड यूरिया क्या होता है, है ना, बस इतना समझ लो यूरिया पे नीम की कोटिंग कर दी जाती है, उससे क्या फ़ायदा होता है, कैसे भारत सरकार बहुत सारा पैसा बचा रही है, ये सब मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। बस इतना ध्यान रखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सभी घरेलू उत्पादकों जितने यूरिया उत्पादक हैं 100% नीम कोटिंग अनिवार्य भारत सरकार ने कर दी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं तो आप लोगों को और चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत हेल्दी डिस्कशन अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मेरी फ्रस्ट्रेशन लगभग खत्म हो गई है। एक तो समस्या ये भी है ना कि मैं गर्मी में बैठ के पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब समझ लो जैसे पंखा चला दूंगा तो अभी आप लोगों को सुनाई दे देगा, फिर कमेंट सेक्शन में 40 लोग चिल्लाओगे अरे सर पंखा सर पीछे से बैकग्राउंड शोर बहुत है। तो उस इरिटेशन से बचने के लिए क्या करता हूँ, मैं गर्मी में पढ़ाता हूँ। अब वो गर्मी में यार हालत ख़राब है, मतलब लिटरली पसीने से शर्ट वर्ट एकदम भीग गई है ना। खैर कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप लोग तो करते नहीं हो तो सामने से मुझे खुद मोटिवेट करना पड़ता है खुद को। तो यहाँ पर वही है कि भैया सब्सिडी उब्सिडी बढ़ा दी, अब बताया कि इंडिया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कैन बी ब्रॉड इनटू 2 डिवाइडेड कैटेगरी, कौन सा न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है, एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है, एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ये सब, और दूसरा होता है फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर। तो 2 इंडस्ट्रीज हैं। आपको पता होगा कि भारत लगभग यूरिया के उत्पादन में, पता होगा आपको भारत लगभग यूरिया के उत्पादन में लगभग सेल्फ रिलायंट है, लेकिन ये फॉस्फेट और पोटाश, हम खासतौर पे पोटाश हम लगभग बाहर से मंगाते हैं, पोटाश का लगभग उत्पादन भारत में नहीं होता है, फॉस्फेट का तो थोड़ा बहुत करते भी। यहाँ पर आप देखोगे SBI की एक रिपोर्ट ने, और ये मैंने लास्ट वीडियो में पूछा भी था, लास्ट नहीं मेरे हिसाब से जब मैं हिंदी वाला PT3 स्पेशल पढ़ा था तो वहाँ पर पूछा था, है ना। SBI रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज 3rd highest इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड 2nd largest इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन। तो भारत में उपभोग के अनुसार भारत विश्व का दूसरा रासायनिक उर्वरक घोटू देश है, घोटू देश मतलब खपत करने वाला देश है, दूसरे नंबर पे है जो उपभोग कर रहा है, लेकिन उत्पादन में 3rd नंबर पे है, ठीक है। तो आप समझो हम प्रतिवर्ष बहुत सारा मतलब ये यूरिया वूरिया मंगाते भी, ठीक है, तो ये बात है, इसको दिमाग में रखना। अब यहाँ पर देखो वही बात समझाया जो मैंने आपको पहले समझा दिया, फर्टिलाइजर सब्सिडी शॉर्ट में वापस बता दे रहा हूँ, 2 तरह के होते हैं, यूरिया और नॉन यूरिया। तो नॉन यूरिया आप देखोगे ये क्या न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज की, अब पढ़ोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा अपने मन से पढ़ोगे तो, इसीलिए मैं समझा दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो पढ़ते तो अब 2 घंटा NBS समझते, पहले ENBS का होता है, ससुरे विजनवा ले दे लो नए बाणा कुल की NBS का होता है, कहीं दिएगा, कहीं नहीं दिया, बताओ। अब NBS कहाँ से कोई बच्चा समझ में आएगा जिसको पहली बार पढ़ रहा होगा कि अच्छा NBS मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होता है ना। तो बैठ के माता पच्ची करने से अच्छा जैसा बता रहा हूँ पढ़ते चलो शांति से। तो यूरिया एक सब्सिडी अलग, दूसरी तरह की सब्सिडी है नॉन यूरिया। तो नॉन यूरिया किससे गवर्नमेंट होती है, NBS 2010 से। इसमें कहता है फिक्स रेट ऑफ सब्सिडी इन रुपीज पर किलोग्राम इज अनाउंस्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स नेमली नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटास एंड सल्फर बाय द गवर्नमेंट ऑन एनुअल बेसिस। तो भैया पर किलो, जैसा समझाया ना कि एक बोरा में कितना किलो बा ओ पे डिपेंड करता है।
अंडर NBS MRP ऑफ PNK फर्टिलाइजर्स हैज बीन लेफ्ट ओपन एंड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर मार्केटर्स आर अलाउड टू फिक्स द MRP एट रीजनेबल रेट। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं है, इसे कहते हैं जो मन करे वो रखो, हम तुमको इस किलो के हिसाब से, तुम किलो भाव कितना प्रोडक्शन कर रहे हो उस किलो भाव के हिसाब से तुमको सब्सिडी दे देंगे, रेट तुमको जो मन करना है वो रखो, हाँ एक रीजनेबल रेट होना चाहिए। ये है नॉन यूरिया। लेकिन यूरिया क्या है, यूरिया वाला देखो NBS स्कीम में नहीं होता है। दूसरी बात, ये फार्मर को दिया जाता है स्टैट्यूटरली नोटिफाइड प्राइस पे, मतलब एक सामिधिक रूप से एक प्राइस निर्धारित किया जाता है, उसके आधार पर यूरिया सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर सो दैट फार्मर कैन बाई देम एट अफोर्डेबल प्राइस, है ना, ये सब बताया। DBT शुरू किया गया वेयर बाय मनी इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू रिटेलर्स होता क्या, अभी DBT शुरू किया गया, तो EDBT देखो मैं समझाऊंगा नहीं, जाने दो, बिना मतलब के लेंदी बनाने का कोई मतलब नहीं है, जितना दिया उतना ही बता देते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोग बोलोगे जाने दो यार, जरूरत नहीं है, मतलब DBT क्या ही समझाओ, है ना, ये DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इतना ही ध्यान रखो, है ना। अब अगला देखते हैं, अब बता रहे कि इशूज यूरिया पे क्या है, तो यूरिया पे देखो ये एक इशू है कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिलता है यूरिया पे। आप लोगों ने देखा होगा फर्टिलाइजर सब्सिडी भारत की सब्सिडी का टोटल आधा है, लगभग 50% जो हम लोग सब्सिडी बजट में होती है ना, वो 50% आप देखोगे लगभग 50 नहीं, चेक कर लेना एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से 1,40,000 करोड़ के आसपास हम लोग देते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी, इसका 1,40,000 करोड़ के लगभग हम लोग देते हैं फूड प्रोटेक्ट, मतलब वो खाद्य सुरक्षा के लिए, और 70,000 करोड़ के आसपास हम लोग देते हैं इसके लिए, ये जो तो सॉरी ये 50% नहीं है, मैं गलत हूँ, है ना, तो अपने आपको सही कर दे रहा हूँ। तो ये देखो कि 70% ऑफ टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी का जाता है यूरिया पे, बहुत जरूरी नहीं है ये, यूरिया मोस्ट फिजिकली कंट्रोल फर्टिलाइजर, और यूरिया को गवर्नमेंट मतलब एकदम कंट्रोल्ड वे, मतलब एकदम समझो जकड़ी हुई है, उसी को समझाया कैसे, एक तो MRP कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, दूसरा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सब्सिडी देके कंट्रोल करती है, तीसरा स्पेसिफिक कंसाइनमेंट स्पेसिफिक सब्सिडी टू इम्पोर्टर्स, तो इम्पोर्टर्स को सब्सिडी देती है, फिर तीसरा क्या करती है कैनलाइज इम्पोर्ट करती है, मतलब दो ही तीन कंपनियां, देखो यहाँ पे लिखा है 3 एजेंसी ही अलाउ है भारत में यूरिया इंपोर्ट करने के लिए, तो भारत में कोई भी यूरिया इंपोर्ट नहीं कर सकता है, केवल 3 कंपनी अलाउड है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, मूवमेंट भी फिक्स करती है, मतलब गवर्नमेंट फिक्स करती है कि ये यूरिया ये कंपनी इंपोर्ट की है तो यहीं पे बेचेगी, मतलब पंजाब में ही बेच सकती है, जहां पे चुनाव रहेगा वहीं पे बेच सकेगी और कहीं नहीं बेच सकेगी। ठीक है, एक मिनट का ब्रेक, पानी पी लेता हूं, फिर आगे। ठीक है, ये बात समझेगा। अब इसमें बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में बताया है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसको आप लोग देखिएगा, मतलब ये मेंस के लिए है, ये सब प्री के लिए जरूरी नहीं है, तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने स्टेप टेकन क्या क्या लिए हैं ये देख लीजिए, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक न्यू यूरिया पॉलिसी आई जिसमें बोला गया कि यूरिया प्रोडक्शन हम इंडिजीनियस मतलब घरेलू उत्पादन बढ़ाएंगे, ठीक है, एनर्जी इफिशियंसी बढ़ाएंगे, ठीक है, और सब्सिडी को रेशनलाइज करेंगे। तो ये एक तो नीति है, यूरिया की नीति है, नई यूरिया नीति। अब देखो UPPC से क्या पूछेगा, भारत में नई यूरिया नीति कब लाई गई, सिंपल यही पूछेगा। देखो शिक्षा नीति पे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, ऐसा ही सिंपल पूछेगा कि न्यू यूरिया पॉलिसी कब लाई गई, 2015, 2016, 2017, 2018, तो क्या टिक कर रहे 2015। ठीक, अब उसके बाद नीम कोटेड यूरिया आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरिया टू प्रोड्यूस 100% एज NCU। मैंने ऑलरेडी जो बात बताई कि डोमेस्टिक जो उत्पादक हैं यूरिया के उनको श्योर कर दिया कि भैया 100% आप जो है नीम कोटेड यूरिया ही करेंगे, इधर उधर का टाइम पास नहीं करेंगे। गैस पुलिंग अलाउ की गई और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एक चलाई गई है, ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली सॉइल हेल्थ कार्ड से आप डिसाइड करते हो कि इतना खेत में जरूरत है उतना यूज करते हो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका है कि भारत में 4:1 ये रेशियो चाहिए, लेकिन हमारे पास 7:3:1 का लगभग रेशियो है, इसको 6.4 अब लोग रोने लगेंगे सर ये तो 6.4:2, 2.7 या 2.9:1 है, आप सर 7:3:1 बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर चलता है, लगभग लिख देना। ठीक है, ये फिर से बताया कि साइंटिफिक, अब एक जो ये न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान में रखना आप लोग दिमाग में, कि बोला कि साइंटिस्ट ने क्या किया, एक जीन को खोज लिया है जो कि फर्टिलाइजर नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी बढ़ा देता है। ठीक है, एक जीन खोज लिया है, अब ये बहुत काम का जीन है। ठीक है, तो जीन क्या है, अब देखिए इसमें क्या है ना, अब मैंने आपको अभी बताया था कि यूरिया जितना हम लोग यूज़ करते हैं, मान लो हमने 100 किलो यूरिया डाला है ना, और पौधवा उसका 20 किलो यूज़ कर पाए, तो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कितना हुआ, 20%। अब ये तो जीन मिल गया, वो जीन का करेगा, इस 100 किलो डालोगे तो उसको सूरज 40 किलो खा जाएगा,
है ना, तो ऊ जीन का खोज कर लिया भारतीय वैज्ञानिक। इंडियन रिसर्चर्स हैव नैरोड डाउन सम हाई प्रायोरिटी टारगेट जीन फॉर देयर पोटेंशियल टू इंप्रूव एन यू इन राइस, है ना, तो यूरिया यूज इफिशियंसी वही है, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, इस फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड नाइट्रोजन दैट इज अब्सॉर्ब्ड एंड यूज बाई द प्लांट, जो समझाया वही चीज है। तो जितना ज्यादा होगा इफिशियंसी उतना कम वेस्ट होगा, सिंपल सी बात है। इससे क्या क्या फायदा होगा आप लोग पता ही है ना, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है ये ध्यान रखना। आपको पता होगा वातावरण में 71% नाइट्रोजन है, N2 है ना, लेकिन ये जो 71% नाइट्रोजन है ये है ना, ये पेड़ पौधा लोग जो है ये डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, है ना, जिसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते 71%, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा जो N2 है ना, तो मैं थोड़ा सा अपनी नॉलेज झाड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, जो एन एंड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो इसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है इस बॉन्ड को तोड़ के यूज करने के लिए। तो जो पेड़ पौधे होते हैं आपको पता होगा वो क्या करते हैं, वो नाइट्रेट यूज करते हैं, है ना, नाइट्रेट यूज करते हैं, नाइट्रोजन बढ़ने के लिए चाहिए होता है इनको। अब बेसिकली आप कई बार देखते होगे कि बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कती है तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, आपने सुना होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हिंदी में, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, वो क्या होता है, बिजली कड़की तो एन एन बंडवा टूट जाता है, इतना एनर्जी मिल गई ना तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है और जमीन में बह जाते हैं पानी के साथ, नाइट्रेट बन जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण बिजली चमकने से होता है पहला। दूसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम बैक्टीरिया आप लोगों ने सुना होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे मिलता है पता होगा, दाल जो फसलें होते हैं लेग्यूमिनस फसलें हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये अपने आप में स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, पूछ देगा UPPCS में कि भैया बताओ निम्नलिखित में से किस किस माध्यमों द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो ध्यान रखना बिजली कड़कने से भी होता है और ये राइजोबियम जीवाणु भी करता है जो कि लेग्यूम फसलों के जड़ों में पाई जाती है, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, लेग्यूम फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है और ये क्या करता है ना, ये सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। तो बेसिकली ये समझेगा प्लांट डायरेक्ट, एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि क्या पौधे सीधा वातावरण का नाइट्रोजन यूज करते हैं, इतना कर लेते ससुरे तो इतना झंझटे नहीं पड़ता, भारत को 70,000 करोड़ सब्सिडी बच जाती है ना, क्योंकि वातावरण में 71% नाइट्रोजन है भाई, तो नहीं करते। इसको देखिएगा, प्लांट कैन नॉट यूज नाइट्रोजन अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी फॉर सीरियल प्रोडक्शन एज लो एज 33%, तो 33% ही है ना, अब वही सब बताया कि कंट्री राइज टॉपिंग, ये सब टाइम पास यहाँ पर बताया गया। अगला हम लोग आते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे, कितना और पन्ने बचे हैं, बहुत अच्छे खासे बचे हैं, है ना, देख लेते हैं, मुझे लगता है 35, 36, 37 एक बार देख लेते हैं, ताकि डिपेंड करेगा कि कितना पढ़ाना है, टूरिज्म सेक्टर, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, तो यहाँ तक कर लेते हैं लोग टूरिज्म। अब इसमें असल में इसके बाद बहुत ज़्यादा, मैं जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा समझाने लग रहा हूँ, मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है ना, क्योंकि वो समझाने से इरिटेशन भी आप लोग की बढ़ेगी, मुझे लगता है कि काम की चीज़ बताते चलता हूँ, निकलते चलता हूँ, ठीक है, सीधे सीधे फैक्ट बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, अब यहाँ पर आप देखो इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी थोड़ा बात करते हैं, देखो इधर यहाँ से थोड़ा सा आप देखोगे ट्रेंड, मैं बोलता हूँ हमेशा इकोनॉमिक्स से सबसे पहला काम हम करेंगे ट्रेंड, तो ट्रेंड क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कुछ ऐसा ट्रेंड नहीं शो कर रहा है बढ़ता घटता, ठीक है, देखो इम्पोर्ट भी कुछ ट्रेंड नहीं बढ़ता बढ़ता शो कर रहा है, तो ये आप दिमाग में रख लेना कि कुछ ऐसा मतलब ट्रेंड नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा फिक्स ट्रेंड नहीं है, तो ये दिमाग में रख लेना आप लोग। महत्वपूर्ण क्या है सीधे याद करो, जो महत्वपूर्ण ये है, देखो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आपको चार फसल दे देगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बोलेगा, बोलेगा कि बताओ इसको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत के कृषि निर्यात के घटते हुए क्रम में लगाइए, घटते हुए क्रम में लगाइए, पहला दे देगा बफेलो मीट, दूसरा दे देगा स्पाइसेस, तीसरा दे देगा राइस, चौथा देगा मरीन प्रोडक्ट, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा दिमाग में रख गया, सबसे पहले राइस, फिर मरीन प्रोडक्ट, फिर स्पाइसेस, फिर बफेलो मीट। तो देखिए हम लोग बफेलो मीट भले से मना करते हैं, बीप बीप चिल्लाते रहते हैं गौ हत्या, और भारत एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है, देखो इसको, तो यहाँ पर देखोगे 2020-21 में भारत ने, ये ट्रेंड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब UPPCS फिर रोते रहना सर ये वाला डाटा नहीं मिला, सर ये वाला डाटा ऐसे आ गया था, यहीं से आता है डाटा वाटा, कुछ यूपी स्पेशल की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आलतू फालतू यहीं से पढ़ लो, सारा चीज़ यहाँ से आ जाए। तो देखो क्या है, फाइनेंशियल 2020-21 में भारत ने $41.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया एग्रीकल्चर, उसमें सबसे ज़्यादा क्या किया राइस, है ना, राइस एक्सपोर्ट करने का बहुत सारे कारण थे, आपको बताओ बासमती राइस भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, दूसरा अभी चूंकि COVID-19 था तो बहुत सारे देश भारत से खरीदे, उदाहरण के तौर पर आपको पता होगा बांग्लादेश भी भारत से खरीदा था राइस, ठीक है, तो राइस आपको पता है कि भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, फिर मरीन प्रोडक्ट मछली, भारत सबसे ज़्यादा मछली मार के बेचते हैं, फिर मसाले और फिर बफेलो मीट, तो ये चार याद रख लो, पांचवा नंबर भी चाहते हो शुगर, तो पांचवें नंबर पे शुगर है, ये टॉप 5 दिमाग में रख लो। ऑर्डर
कितना है परसेंटेज, ये बस का नहीं है। देखो अब याद करोगे आप 21% राइस है, 14% आई है, क्या बोला जाता होगा मरीन प्रोडक्ट, ये सब बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है। आपको याद करना तो कर लेना, जरूरी है ऑर्डर। क्वेश्चन यही पूछेगा कि इसका ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है, सबके मुंह में पाउडर, यही वाला क्वेश्चन पूछे, सिंपल, तो दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब करते हम लोग आगे, तो बताया है कि इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सिस्टम, जो मैंने बात बताई शुरू में कि 41.8 बिलियन डॉलर हो गया है, कोई जरूरत नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। इंडिया इज बीन अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोडक्ट सिंस द इकोनॉमिक रिफॉर्म बिगन इन 1991। तो ध्यान रखना है कि भारत नेट एक्सपोर्टर है, चूंकि यहाँ पे आप देख पाओगे ये जरूरी है फैक्ट, क्योंकि आप लोग के दिमाग में रखना ही नहीं, भारत का इंपोर्ट तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ये देखो हमेशा जो एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट वाली लाइन जो ऊपर रेड वाली है, ये नीचे वाली जो, मैं एक काम करता हूँ इसको ब्लू वाली लाइन से बना देता हूँ, तो जो ब्लैक वाली जो लाइन नीचे जा रही है कि हमेशा इसके ऊपर है, इसका मतलब हमेशा आप देखोगे 2004-05 के बाद जो यहाँ पे ग्राफ है, हमेशा भारत का एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा है बजाय कि इंपोर्ट के, ठीक है। तो हम नेट एक्सपोर्टर रहे हैं, मतलब हम जितना मंगाते हैं उससे ज़्यादा हम बेचते हैं भारत, ठीक है। ये देखोगे आप, है ना, फिर ये बास्केट लगभग 2.5% विश्व में जितना बिकता है उसका हम लोग 2.5% बेचते हैं, ये सब फैक्ट याद नहीं करना है, ठीक है, ये याद कर लो। सबसे ज़्यादा USA सऊदी अरबिया में बेचते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना, और ये ऑर्डर तो जो बताया वो ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ जो और महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि UPSC के लिए, मतलब ये UPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, सीधा देखो सीधे क्वेश्चन काम का बताते हुए चल रहा हूँ, पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है ना, वही बताया कि भारत ने कैसे कैसे अपना इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्यों क्यों बढ़ा है, वो कारण बताया, वो आप लोग रीड करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है जो हम लोग को ध्यान रखना है, बुप्रोफेजिन ये लिखा है ना, इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, बुक का लिखा है यार, ये तो पढ़ने में नहीं आता है ससुरा, इंग्लिश लैंग्वेज बनी का है लिए ससुरी जी का जंजाल हो गई है। बुप्रोफेजिन ये तो है ही है ना, ये तो ट्राई साइक्लाजोल, ठीक है। तो दो ठो दवाई दिख गई, ई दोनों का है, ई दोनों होता है केमिकल, ठीक है, राइस कल्टीवेशन में यूज किया जाना केमिकल है, तो इसे ही देगा। हाल में चर्चा में रहा ट्राई साइक्लो, जो भी है पता नहीं हिंदी में लिख के भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बुफ्रोफेजिन और एटो ट्राई वाला करके, ई किस लिए यूज होता है, तो ध्यान रखना ये चावल की फसल में यूज होने वाला एटो रसायन है, ठीक है, दिमाग में रखना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा फिर ऑप्शन दे देगा गेहूं में, फलान में, ढकान में, तो दिमाग रखना चावल में यूज होने वाला केमिकल है, बेसिकली मेरे हिसाब से ये वही होगा आपका फर्टिलाइजर नहीं कीटनाशक होगा। हाँ, एक बार ये भी चेक कर लेना कि कमेंट सेक्शन में बताओ चेक करके कि कीटनाशक है कि क्या है, ठीक है। देखोगे लास्ट ईयर 2020 में UPSC ने इसी तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो बड़ा सा नाम दिया हुआ था, बोला था इका है उसमें, मुझे और कुछ समझ में आंख बंद कर कीटनाशक मर दिया, पता नहीं सही हुआ शायद। अब अगला है एक महत्वपूर्ण बात, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर AFEC, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, ध्यान में आपको रखना होगा। एक आपको नाम मैंने बताया था APEDA, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टिंग काउंसिल, या जो भी कुछ डेवलपमेंट एजेंसी है ना, निर्यात विकास प्राधिकरण है APEDA, ये मैंने आपको बताया था कि ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है, ये कृषि मंत्रालय के अधीन नहीं है। देखो एग्रीकल्चर है लेकिन ये कृषि मंत्रालय नहीं, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, लेकिन यहां पर आप देखो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, ठीक है, ये दिमाग में रहना, ये नाबार्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है, ये दिमाग में रहना, नाबार्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है, और पुणे में है। तो UPPCS में क्या क्वेश्चन पूछेगा ध्यान रखो, देखो दो क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, ये भी समझ में आ जाएगा। UPPCS में पूछेगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हाल में भारत में किस राज्य में, मतलब किस जगह पर आरंभ किया गया, तो पुणे दे देगा, लखनऊ, दिल्ली और दे देगा मुंबई, ठीक है, तो दिला दे घर, चंडीगढ़ में नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है, तो छूट गया भाई, चंडीगढ़ भी दे लो, और हाँ आंसर होगा पुणे, दिमाग में ये रखना। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर शुरू किया गया, पुणे में, ठीक है। दूसरी बात, किसके द्वारा शुरू किया गया, ये पूछ सकता है UPSC में, तो किसके द्वारा, महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर नाबार्ड के साथ मिलकर इसको प्रारंभ किया, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है, ये बेसिकली एक्सपोर्टर को सहायता देंगे। अगला AgriStack, अब AgriStack क्या है, देखो कुछ नहीं है इसमें, यह बोला गया ना गवर्नमेंट ने क्या किया, नीति आयोग का एक प्रपोजल है, बेसिकली आपने सुना होगा नेशनल हेल्थ स्टैक और वो सब, बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है आजकल, लालू यादव बोले थे डेटा खाएगा कि आटा, नहीं डाटा खाएगा कि आटा, ये वाला लालू यादव बोले थे, बहुत फेमस डायलॉग है ना यार। आज तारीख कौन सी है, 3 सितंबर, ओ माय गॉड, आज तो मूवी रिलीज होने वाली है ठोकोनो मार्वल की,
ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए जो लोग मार्वल के फैन है कौन सी मूवी रिलीज हो रही है भारत में, मैं तो अब देख के ही सोऊंगा उसको। चलिए बढ़िया याद आ गया। अब यहां पर देखिए आप लोग, डाटा से याद आया था, ठीक है, अब यहां पर समझना डेटा का यूज, डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा का यूज आजकल हर जगह हो रहा है, तो गवर्नमेंट सोच रही है कि हर जगह डेटा काम क्या करें, कुछ कुछ स्टैक बनाए, है ना। तो गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ स्टैक एक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट एक्ट शुरू किया, एग्री स्टैक नीति आयोग बोली है, ये क्या करेगी, क्रिएशन ऑफ कॉमन डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर बाय गवर्नमेंट कैन रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बाय मेनी स्टार्टअप्स एंड रिसर्चर्स इन एरिया लोअर बैरियर ऑफ एंट्री टू क्रिएटिंग एग्रीटेक प्रोजेक्ट। बेसिकली कह रही है कि मान लो एक स्टार्टअप है एक्स, एक स्टार्टअप है वाई, एक स्टार्टअप है जेड, अब इस असुरे कुछ कुछ रिसर्च कर रहे हैं, यो कुछ कुछ रिसर्च कर रहे हैं, यो कुछ कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कोई खेती पर रिसर्च कर रहा है, कोई खेती के प्रोडक्टिविटी पर रिसर्च कर रहा है, कोई कृषि पर रिसर्च कर रहा है, इन सबको एक जगह डेटा अगर रखा जाए, फ्री डेटा अवेलेबल कराया जाए, तो इसका डेटा यूज करेगा, इसका डेटा यूज करेगा, इसका डेटा यूज करेगा, और ग्रोथ तेजी से हो पाएगी, जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की वो समाप्त हो जाएगा। इसको नीति आयोग ने बोला एग्री स्टैक। अब रोने वाले फिर से रोना शुरू कर देंगे, तो रवीश कुमार जैसे लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, तुरंत छाती पीटना शुरू कर देंगे, तो कहेंगे ये क्या है कि भैया फार्मर का राइट जो है नुकसान कर देगा, कैसा फार्मर राइट। अब इनके हिसाब से ये हो जाएगा कि फार्मर जो बेचारे पहले से जो उनका सो क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज था, वो क्या करेंगे है जो कंपनियां सब चुरा चुरा के बेचेंगी, है ना, तो तुरंत रोना शुरू कर देंगे। तो यही बात इसको कही गई है। तो ये क्या है, देखो एग्रीस्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल डेटाबेस प्रपोज बाय यूनियन गवर्नमेंट दैट फोकसेस ऑन फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, यही एग्रीस्टैक है, ठीक है, दिमाग में रखना, और इसमें कुछ काम की बात नहीं है, ठीक है, केवल आपको यही ध्यान रखना है। इसमें है द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर रिसेंटली एंटर्ड इनटू एमओयू विद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन टू क्रिएट यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस टू इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो किसके साथ शुरू किया गया, ये दिमाग में रख लेना है, यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है, ये दिमाग में रख लेना है यूपीपीसीएस के लिए। क्या है कि यहां पर आप देखोगे बेसिकली किसके साथ एमओयू किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा, ताकि एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस बन सके, एकीकृत कृषक सेवा अंतर छेप इंटरफेस का क्या होता जो भी होता होगा वो बन सके, है ना। ये किसके द्वारा शुरू किया, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के, ये दिमाग में रखना। इसमें क्या है कि इसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो सेटेलाइट डेटा है, जो बाकी सब चीज़ें वो एक जगह रखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से आपका बहुत ज़्यादा जरूरत की चीज़ें नहीं है, काम की चीज़ यहाँ पर है, ये दिमाग में रखना। AI सोइंग ऐप, सोइंग मतलब बुआई, तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोइंग बुआई ऐप, तो आर्टिफिशियल बुआई ऐप माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है किसके साथ, इक्री सेट के साथ, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है इसका जो मुख्यालय है इक्री सेट का वो कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी, ये यूपीपीसीएस में पूछेगा, ठीक है। तो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन यही बनता है, AI सोइंग ऐप माइक्रोसॉफ्ट हैज डेवलप दिस एप्लीकेशन कोलेबरेशन विद इक्री सेट, दिस एप्लीकेशन सेंड्स एडवाइजरी टू फार्मर्स रिगार्डिंग द ऑप्टिमल डेट ऑफ सीड सोइंग। ये बस यही करे, ये क्या करेगा, फार्मर को बताएगा कि भैया इस दिन फसल बोलो, इस उस दिन बोलो, इस दिन बोलो, इस दिन बोलो, यही बात बताएगा। इसके अलावा आपको जो महत्वपूर्ण है फार्मोपीडिया, ये किसके द्वारा शुरू किया, सीडेक मुंबई के द्वारा। तो दो इसमें महत्वपूर्ण थे, फार्मोपीडिया AI सोइंग ऐप, फार्मोपीडिया सीडेक मुंबई, AI सोइंग ऐप माइक्रोसॉफ्ट इक्री सेट के साथ, ठीक है। बाकी ये सब आप लोगों को फर्जी है, मतलब जरूरत नहीं है, दो चीज़ महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद हम लोग आखिरी कर लेते हैं, आखिरी नहीं, इसी को आखिरी करते हैं, एक लेक्चर और मान लो लगे अगर टूरिज्म, एक लेक्चर और में इकोनॉमिक्स हो जाएगी, है ना, इसी लेक्चर में हो जाती, जाने दो, ठीक है, एक लेक्चर और कर ही लेंगे, है ना, अब मूवी टाइम हो गया। तो चलिए दोस्तों इसी साथ हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत, तैयारी आप लोग करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कीजिए, है ना, और QR दिया ही है स्टार्ट में, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, तो उसको ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, है ना, और लगे रहिए यार अभी सिलेक्शन होगा, लेकिन यार फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, देखो रट के सिलेक्शन होगा ही नहीं पहली बात, और होगा भी तो यार मूर्खता है, मतलब आप खुद सोचो आप जिले को कैसे संभालोगे जब रट के आप फिर रटोगे क्या, अरे ये स्कीम है सब बैठ के रटना नहीं होता यार, चीज़ों को समझिए, आप एक अच्छे प्रशासक तभी बन पाएंगे, ठीक है, ताकि जब चीज़ों को दिल में उतारिए ना तभी अच्छे प्रशासक बन जाएंगे। कोई काम करिए उसको एकदम जवाबदेही से करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ना कि सर की गलती की वजह से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, बजाय कहने की ये करिए मैंने ध्यान नहीं दिया ससुरा, मैंने गूगल सर्च नहीं किया इस वजह से ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, अपने ऊपर अपनी जवाबदेही खुद लेना सीखिए, ठीक है, ये बात समझिए। इसी के साथ एक हाई नोट पे कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात श्योर करता हूँ, है ना,
कि आप लोग का श्योर सिलेक्शन होगा, मेहनत करते रहिए, ठीक है, तो लगे रहिए दोस्तों, जय हिंद।